हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर अब स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं बड़ी ही अच्छी खबर उन बच्चों के लिए जो कि आरपीएससी का इंतज़ार कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसी थी वो आउट हो चुकी हैं, ये वैकेंसी आज ही आई है और आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देख लिया होगा कि टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो आपको बता देते हैं ये टोटल वैकेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बॉटनी वाले हैं उनके लिए 70 है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए 81, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए 53, फिजिक्स के लिए 60, जूलॉजी के लिए 64। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 71, EAFM मतलब इसके लिए 70, जूलॉजी के लिए 6, लॉ स्टूडेंट्स के लिए 25, इकोनॉमिक्स के लिए 103, इंग्लिश के लिए 153। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं टोटल जिनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है ज्योग्राफी के लिए 150। तो देखा जाए तो इंग्लिश, ज्योग्राफी और हिंदी इनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं। फिर आते हैं हिस्ट्री पे, 177 सीट्स हैं टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की, और सोशोलॉजी टोटल 80। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं इस रो में, ठीक है। फिर इनके सेवरल डिवाइडेशन है। तो अब जरा आ जाते हैं इसके पीडीएफ के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता, कई बार बच्चों के दिमाग में डाउट होता है सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखो, अगर कोई बच्चा इस एग्जाम में बैठना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी एक उसके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसके सब्जेक्ट में, जिसमें उसके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ये कंपलसरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आप एमएससी होनी चाहिए और आपके 55% मार्क होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपका नेट क्लियर होना चाहिए या फिर स्लेट और सेट। राजस्थान में ऑलरेडी कुछ टाइम पहले हुआ है सेट का एग्जाम, करीब करीब 9 वर्षों बाद अगर आपने वो क्वालिफाई किया तो ऑफकोर्स इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, और अगर आपके पास नेट है तो भी आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही इसके कुछ स्पेशल कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे कि पीएचडी थीसिस आपकी एवेल्युएटेड होनी चाहिए बाय 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जब आप कॉलेज में होते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीजें कॉलेज की तरफ से कंडक्ट कराई जाती हैं। ओके, अब यहां से आगे जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे अगर किसी बच्चे के पास नेट है और अगर किसी बच्चे के पास नेट, सेट और स्लेट है तो दैट स्टूडेंट शेल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन विद नेट स्लेट नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी सीएसआईआर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नेट स्लेट है तो ये सीएसआईआर यूजीसी इनके द्वारा ही कंडक्ट कराया गया हो, ठीक है ना। जैसे हमारा नेट का एग्जाम होता है सीएसआईआर नेट के थ्रू कंडक्ट होता है। इसके अलावा फिर अब हम थोड़ा सा और इसमें देखते हैं कि तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखते हैं। तो शैक्षणिक तो देखिए यहाँ पे दी हुई है इनकी डेट के बारे में, ठीक है ना। तो उससे पहले ये देख लेते हैं एक बार। तो उक्त पदों की उपेक्षित शैक्षणिक अंतिम वर्ष सम्मिलित हुआ। ठीक है, इसमें इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा एमएससी का है, ठीक है ना, और वो फाइनल ईयर का है तो भी वो यहाँ पर इस एग्जाम में बैठ सकता है। फिर आते हैं इसके पे ग्रेड पर। तो देखिए इसका पे ग्रेड होता है 6,000 रुपये, देखा जाए तो यूपीएससी से भी ज़्यादा, आईएएस आईपीएस से भी ज़्यादा अगर पे ग्रेड किसी जॉब का होता है तो ऑफकोर्स वो आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं इनका पे ग्रेड बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग के 2 साल में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 15,600 से लेकर 39,100 तक रहेगी, लेकिन जैसे आपके 2 साल कंप्लीट होंगे इसके बाद आपकी जो सैलरी होगी वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट होगी, पे ग्रेड 6,000 के साथ। यकीन मानिए, जो लोग अपनी सर्विस के करीब 10 या 12, 10 साल, 8 से 10 साल पूरे कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनकी सैलरी अराउंड 2 लाख के आसपास होती है या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो आयु है वो देखी जाएगी 1/7/2023 से लेकर, ठीक है ना। और आपकी जो मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर
जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशंस के बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति, मतलब कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे SC, ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष अधिकतम छूट दी जाएगी। अगर आप सामान्य वर्ग, अगर कोई जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, और वो एक फीमेल कैंडिडेट है, कहते हैं वुमेन कैंडिडेट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, मतलब कोई जनरल से आने वाली कोई वुमेन कैंडिडेट है, तो ऑफकोर्स उनको भी 5 साल की छूट दी जाती है एज रिलैक्सेशन। और अगर आप राजस्थान राज्य के ही हैं और अगर आप SC ST OBC EWS इन सबसे आते हैं तो ऑफकोर्स आपको 10 वर्ष, कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 10 वर्ष तक, लेकिन याद रहे ये महिलाओं के लिए है। अगर आप महिला हैं और आप ST SC OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद फिर ये डिफरेंट डिफरेंट है कि मतलब अगर आप विडो या डाइवोर्सी हैं तो ऑफकोर्स अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी एज में इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर बाकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, और इस PDF को पूरा देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। ओके, चयन प्रक्रिया का बता देते हैं। देखो चयन प्रक्रिया क्या है कि आपका देखा जाए तो इसमें पहली बात तो आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू, इन दोनों के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है अगर डाउट होता है उनको कि आपकी उत्तर पुस्तिका में कुछ गड़बड़ है, आपके सिलेक्शन प्रैक के जो तरीका है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो ऑफकोर्स वो दोबारा से आपकी उत्तर पुस्तिका को निकलवा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित सेवा नियम 2020 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त तो पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकरण को अनुशंसित किए जाएंगे, जो कि लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के लिए कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट क्रम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेफिनेटली अगर आप अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, है ना, तो मतलब आपके जो एग्जाम होंगे, आपके रिटन को क्वालिफाई कर गए, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए, तो जो आपके जो मार्क्स होंगे ऑफ कोर्स मेरिट के बेसिस पे आपको उसमें एक आपकी जो भी लिस्ट होगी उसमें आपको जगह मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा का स्थान व माह, देखो ये जो अभी जो परीक्षा है वो अक्टूबर माह 2023 में आने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षा का स्थान, तिथि, संबंध, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ये एग्जाम की डेट आई है और अक्टूबर में इसका एग्जाम हो सकता है। इसका मेन कारण है इलेक्शन, तो इसका बहुत बढ़िया फायदा मिला है आपको, तो फायदा उठाइए। फिर नेक्स्ट आते हैं परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। तो देखो ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा का जो बेसिकली जो पेपर होगा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप से होगा, और जो आपके प्रश्न होंगे वो ऑप्शनल होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे, आज का पूरा सिलेबस है वो RPSC की मेन वेबसाइट पे ऑलरेडी दे दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें अप्लाई कब करना है, तो देखो 26/6/2023 यानी कि 26 जून से और 25 जुलाई तक रात 12 बजे तक RPSC की मेन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे इन वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं 26 तारीख से। वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, कि अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, कि SSO बेसिकली वहाँ पे जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ के थ्रू आप इजीली लॉग इन वहाँ से कर सकते हैं, और अपने एप्लीकेशन जो आपका आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। बाकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई पैसे कितने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके ओके तो मान लीजिए जैसे कि आपकी जो यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान प्राप्ति अंतिम दिन के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क ₹500 देकर ऑनलाइन संशोधन, मतलब ये ऑनलाइन संशोधन करने का है कि अगर कोई बच्चा इसमें चेंजेस करना चाहता है तो वो इसमें चेंज कर सकता है। ओके, अब बात आती है इसकी फीस की, तो इसकी फीस है ₹600, जो कि मैंने इस पे ही कहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, कि ₹600 इसकी फीस है, इसी PDF पे ये कहीं अंकित है, हो सकता है। ओके ठीक है, ये रहा आगे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर OBC क्रीमी लेयर से हैं, ठीक है ना,
या फिर अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर अभ्यर्थी, तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरी चीज, अगर आप ST SC में आते हैं तो ऑफकोर्स आपके 400 रुपये लगेंगे, और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके 400 रुपये लगेंगे, ठीक है। और पेपर का प्रारूप क्या रहने वाला है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट, इसमें टोटल 3 पेपर होंगे आपके, तो एक होगा सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, तो टोटल 75 मार्क्स का पहला पेपर होगा जिसकी टाइम होगा 3 घंटे। दूसरा पेपर भी आपका जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा जिसका टाइम होगा 3 घंटे। और जो जनरल स्टडीज़ का है, तो देखिए जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ से आते हैं, तो ऑफकोर्स उनके लिए GK वाला, जो राजस्थान की GK पूछी जाती है, 50 मार्क्स का पेपर होता है और इसकी अवधि होती है 2 घंटे। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन ये बड़ा ही स्कोरिंग होता है। तो टोटल 200 मार्क्स के आपके पेपर होने वाले हैं, बेसिकली 3 पेपर होंगे। फिर रिटन एग्जाम का तो ये हो गया, फिर इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो देखो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू होता है आपका 24 मार्क्स का, ठीक है। तो 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे IIT से MSc होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या होता है कि अगर आप IIT से, तो ऑफकोर्स इंटरव्यू में आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो मिलती है कि आपका IITian होना ही आप काफ़ी खास बना देता है आपको। तो इंटरव्यू विल बी कैरी 24 मार्क्स। देखिए 200 मार्क्स रिटन के हैं, 24 मार्क्स इंटरव्यू के हैं, ठीक है। और टू द एक्सटेंड ऑफ 3 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, द कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन शैल बी समन्ड फॉर द इंटरव्यू। कहने का मतलब है जितनी टोटल सीट्स हैं उसकी 3 टाइम्स, उसके तिगुने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में जो आपके परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे आपका टोटल मार्क्स जोड़े जाएंगे। फिर उसके बेस पे 224, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट प्रिपेयर होगी, ठीक है। तो बाकी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, आपको मेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेंगी, क्या गलती करनी नहीं करनी है यहाँ पे बेसिकली, और गलती हो जाती है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके आगे दी हुई है। तो मेन मेन इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। बाकी जो ये PDF है आपको डेफिनेटली मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जहाँ हम CSIR नेट और GRF की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो जो बच्चे RPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो मैथ से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत जल्दी हम इससे रिलेटेड एक बैच ज्वाइन लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए, और जितना हो सके कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।